नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो पार्ट थर्ड था, यहाँ से स्टार्ट है। आप देख सकते हैं कि वो जो घड़ियाल है कि मगरमच्छ है, पता नहीं क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो वापस उसी जगह पे आ गया और सब किस तरह से नहाएंगे, ये सब बातचीत हो रहा है। आप देख सकते हैं, आगे देखिए फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मेरे मोबाइल में देख ली कौन ही नहीं के बाद शेर जा यार के शेर बा जा लेके आवे के शेर बा मंठा दीदी जाई हैं वो शेर है जय मंठा भौजी आई बार वो खाना रख लिया खींच लिया खूब तो खींच लियो रे मोरी मैया आई तक। तो फ्रेंड्स, डर के मारे कोई पानी में नहीं जा रहा था। फिर मेरी छोटी वाली सास है, वो पानी भर भर के उन्होंने सबको दिया और उसके बाद सभी लोगों ने स्नान किया और फिर जो भी होता है पूजा, जो तिल चढ़ता है, तिल और चावल चढ़ता है, वो चढ़ा। तो फ्रेंड्स, बहुत डर लग था। आप सामने देख सकते हैं, अम्मा पानी भर रही है, वहाँ पर सामने वो है। उसके बाद धीरे धीरे सब लोगों ने स्नान कर लिया। ये देखिए, स्नान यहाँ कम्प्लीट हो गया सब लोगों का। अब हम लोग अपने घर के लिए जाएंगे। देखिए वो घड़ियाल या क्या है, आप लोग कमेंट्स बताइएगा कि ये क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। और वैसे भी तबीयत भी ख़राब था एकदम, मतलब नहा नहा के इतना दूर चल के सर दर्द हो रहा था, पैर दर्द हो रहा था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग नहा के सब लोग निकल चुके हैं। अब यहाँ से सीधे हम लोग घर जाएंगे और घर जाके फिर जो भी आगे का कार्यक्रम या काम है वो सब करेंगे फ्रेंड्स। रास्ते भर उसी घड़ियाल के बारे में बातचीत हो रहा था। और ये देखिए हम लोग घर आ गए हैं। अब मैं जा रही छत पे कपड़ा सुखाने। क्या पकड़ रहे हो तितली? अरे वाह, दिखा यहाँ फ्रेंड्स को। चलो अब निकल के पकड़ लो। रहने दो, हाँ बैठने दो, पकड़ लिए, पकड़ो जल्दी से, आगे पकड़ लो, सर बैठे रहो। चलो चलो लड़ाई करते हैं, देखो। चाय बना हुआ है यहाँ पे, चाय पियेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग नहा के आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही कि मैं लाल चाय पीती हूँ, तो फिर मैं लाइट टी पी रही हूँ अपना, और उसके साथ ही एक टोस्ट खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही यहाँ पे ये रिवाज है कि जब कोई एक्सपायर होता है, किसी का देहांत होता है, तो यहाँ पे जो बहुएँ होती हैं, मतलब बहुएँ नहीं, औरतें होती हैं पटीदारे में के जितने भी होते हैं, उस सब 10 दिनों तक स्नान करते हैं उनके नाम पे एक जगह जाके। और दो ही साड़ी निकलती है, वो दो साड़ी वो 10 दिनों तक पहनती है। न साबुन, न शैम्पू, न तेल, कुछ भी नहीं। ये बिंदी मेरे 10 दिनों से हैं, ये सिंदूर भी मेरे उसी दिन के लगे हुए हैं। तो यही रिवाज है। तो फ्रेंड्स, हम लोग नहा के आ चुके हैं, अब हम लोग चाय पी रहे हैं। चाय पी के फिर हम लोग खाना बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए चाय पी लें, चाय पीने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस था ये हमारा। मैं तो कभी भी नदी में नहीं नहाई हूँ, लेकिन क्या करें, जब कुछ पड़ता है तो करना ही पड़ता है, और रिवाज तो रिवाज होता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन बहुत भयंकर लग रहा था, बहुत ही दहशत फैल चुकी थी, आप देखी वीडियो में देख ही चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए चाय पी के बाद मिलते हैं। सब लोग चाय पी लिए हैं सब लोगों ने, और अब खाना बनने की तैयारी। चलिए मैं दिखाती हूँ। छोटी देवरानी है, अपना शक्ल नहीं दिखाना चाहती है। तो ये आटा सान रही है। यहाँ पे दीदी ने चूल जला दिया है, और ये रहा चूखा, इसमें दाल है, और उसमें बनेगा चावल।
लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो बैठे हैं, दिखा दे दीदी है चल। तो यही है हम लोग का जीवन, अभी खाना वाना बन रहा है, खाना बनने के बाद सबको परोसा जाएगा। सारे बच्चे गए हैं, वो घड़ियाल पकड़ा रहा है शायद, पकड़ने वाले आए हैं, फॉरेस्ट के लोग आए हैं और या फिर चिड़ियाघर के लोग आए होंगे, और देखते हैं पकड़ाता है कि नहीं। वैसे तो सब फैला हुआ है कि दो तीन तो है, अब पहली बार आँख से इतना सामने देखा। पूरे गांव में दहशत फैल चुकी है, कोई बच्चा यहाँ नहीं घूम रहा नदी के सामने, नहर के सामने। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के भी घर के आसपास है तो आप लोग भी प्लीज़ अपने बच्चों को दूर रखिए और नदी से जाने से बचिए, क्योंकि ये लोग हैं वो पकड़ लेंगे, सीधा आप लोगों को खा लेंगे, कुछ बचेगा नहीं। तो इसीलिए सावधानी बरतिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अभी देखते हैं और क्या होता है, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं।